आप सभी का स्वागत है माइंड काफी इन द गेमिंग के एक और भाग में। मैं हूँ एकेन 22। हम खेल रहे हैं स्काई फैक्ट्री 3। ओके, तो पिछले भाग में हमने क्या बनाया था, मॉब फार्म हमने कंप्लीट कर लिया था और बहुत सारी चीज़ें, देखिए ये सब चीज़ें कर ली थी कंप्लीट। हमने ऑब्सिडियन भी बना लिया था, हमें स्मेल थेरी बनानी है और हम इस पार्ट में, भाग में बनाएंगे उसे। तो चलिए फटाफट से मैं बताता हूँ कि आपको स्मेल थेरी कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको चाहिए रहता है शीयर्ड ब्रिक्स, ये वाली, और इसे कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आपको चाहिए रहता है, देखिए मैंने इसमें चीज़ें रखी है, सबसे पहले आपको क्ले चाहिए रहता है और सैंड और ग्रेवल। ग्रेवल है हमारे पास, ग्रेवल अभी नहीं है तो हम दो तीन ग्रेवल बना लेते हैं। ओके, और थोड़ा सा सैंड भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑलराइटी, ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, जब आप क्ले को, सैंड को और ग्रेवल को रखते हैं तो मिलता है आपको ग्राउट। इज सेइंग आई एम ग्राउट। देखिए यहाँ पर, ओके, और जब आप इसको डालते हैं आपके इसमें फर्नेस में तो आपको मिलता है शीयर ब्रिक्स। इसको थोड़ा सा कोयला चाहिए चालू करने के लिए। ओके, ये कर दिया, आप देखिए ये कन्वर्ट हो रहा है शीयर ब्रिक्स में। आपने अगर गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी देखी है तो आपको पता होगा ग्रूट के बारे में, आई एम ग्रूट। ओके, तो ऐसे आप फिर इसमें चार जमा के आपको शीयर ब्रिक्स मिल सकती है। ये देखिए, इसे फर्नेस में ग्राउट हमारा है वो कन्वर्ट हो रहा है ब्रिक्स में, उसे आप निकाल सकते हैं और फिर यहाँ पर से निकाल के आप इससे ब्रिक्स बना सकते हैं। गुड, तो हमारे पास, मैंने काफ़ी सारे पहले से बना के रखी है। तो इस स्मेल्टरी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहता है, पहले तो आपको ब्रिक्स चाहिए रहती है काफ़ी सारी, और आपको चाहिए रहता है फॉसेट, कास्टिंग टेबल जो इस ब्रिक्स की बनता है, स्मेल्टरी ड्रेन और कास्टिंग बेसन, और एक और चीज़ इसके लिए चाहिए रहती है वो है मीन टैंक, शायद क्या बोलते हैं उसे, हाँ, स्मेल्टरी कंट्रोलर हमारे पास है वो नहीं है। तो ऐसे आप जमाते हैं जब उसको, तो आपको है स्मेल्टरी कंट्रोलर। चलिए मैं इसे निकाल लेता हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ कि इन्हें कैसे बनाते हैं। तो फॉसेट्स रहते हैं, उसे बनाने के लिए आपको सिर्फ ऐसी तीन जमानी है तो आपको मिल जाएगा वो। और फिर बेसिन बनाना है हमको, बेसिन बनाने के लिए सिर्फ आपको ऐसा करना पड़ता है और आपका बन जाता है एक कास्टिंग बेसिन। और उसके बाद ड्रेन बनाना है, ड्रेन के लिए वैसे ही उल्टा कर दीजिए, नहीं सॉरी, ड्रेन के लिए से बनाते हैं इसमें, वेट, ये है हमारा कास्टिंग टेबल का, ऐसा बनता है कास्टिंग टेबल, ठीक है, और हमारा ड्रेन है, ड्रेन में भूल गया कैसे बनाते हैं। ओके, ड्रेन ये रहा। ऑलराइटी, हमें लाइन से जो दमाने, छः जमाने पड़ते हैं और ये हमारा बन गया है ड्रेन। तो हमारे पास 3 ड्रेन हो गए हैं, कास्टिंग बेसिन आ गया है और कास्टिंग टेबल भी आ गई है हमारे पास, दो दो। और तो चलिए चलते हैं, हम इसमें से हमारी ब्रिक्स है वो निकाल लेते हैं और इन्हें भी निकाल लेते हैं ताकि हमें इसका काम पड़ सकता है, ठीक है। हमारे पास पिकैक्स है, ऑलराइट, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर वो लगाया था कॉबलस्टोन जनरेटर, और इसे मैं आपको बताऊँगा कि ऑटोमेटेड कैसे करते हैं वापस, इसको पाइप से आप कैसे जोड़ सकते हैं आपके फर्नेस में। ऑलराइटी, तो यहाँ पर हमको बनाना है हमारा स्मेल थेरी, तो हम बनाएंगे इसको 3x3 के स्पेस में। ओके, तो इतना काफ़ी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पहले हम इसकी बेस बनाएंगे नीचे यहाँ से, ओके, और इसके आसपास फिर आप लगा दीजिए
bricks. Okay. हमें कम पड़ सकती है और बनानी पड़ेगी हमें. ठीक है, चलिए ये तो बन गया. ये इसका आगे का भाग. अब हमें इसमें लगाना है हमारा कंट्रोलर, और कंट्रोलर हम इस तरफ लगाते हैं यहाँ पर. और क्या चाहिए? टैंक चाहिए था, नहीं ड्रेन. ड्रेन हमको सामने की तरफ लगाना है यहाँ पर, तो हम थोड़े से और ओके. चलिए इतने देखे काफ़ी होते हैं कि नहीं. ओके, तो यहाँ पर ये लगाते हैं, और यहाँ पर हमें लगाना है ड्रेन सामने की तरफ. ये लगा दिए, और इनके अंदर ही आप फॉसेट लगा सकते हैं. ये लग गया इसमें. और यहाँ पर हमारा टैंक है, इसको हम हटा देते हैं. उपसी. ऑलराइट. लगता है हमें और की जरूरत पड़ेगी. उपसी, मेरे को 3x3 मैंने 2x2 का बना दिया. शिट. नो. ओके. क्योंकि इसमें सब आपके जो ओर्स है वो आप डालेंगे. गुड, ये हमारा बन गया है इस तरफ. और इसके नीचे आप बेसिन लगाएंगे, बेसिन और कास्टिंग टेबल. ठीक है, यहाँ पर ये हमारा बेसिन हमने दो लगा दिया है, और एक हम कास्टिंग टेबल बनाएंगे. अब इसके अंदर से और जो निकलेगा वो सीधे इसमें इकट्ठा होगा, और उसका एक ब्लॉक बन जाएगा. जैसे आपने आयरन ओर डाला है इसके अंदर, तो आयरन ओर का, प्योर आयरन का एक ब्लॉक बन जाएगा. देखिए मेरे पास ओके 8 है. ठीक है, चलिए मैं थोड़े से और ग्राउट कलेक्ट करता हूँ और आता हूँ वापस. लेट्स गो. ऑलराइट, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली है, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं. ओके, तो हमने देखिए यहाँ पर एक और चीज़ हमें बनानी थी. हमने इसे 3x3 का बना लिया है, उसकी हाइट भी 3 रखी है, 3 ब्लॉक्स. और हमें जो हमारे पास है ये है कंट्रोलर, इसे लगाना है यहाँ पर. और इसके पास में एक और चीज़ लगानी पड़ती है हमें, वो है टैंक. और उसे बनाने के लिए आपको ब्लॉक्स रखने पड़ते हैं ऐसे, और बीच में एक ग्लास ब्लॉक रखिए, तो आपका आता है शीयर टैंक. और ये आपका लेवल बताता है कि कितना आपका उसमें फिलअप हुआ है. और इसको हम लगाते हैं यहाँ पर. ओके, तो शायद ये हमारा चालू हो गया है. देखिए जैसे हमने लगाया इसको, ये चालू हो गया. जैसे आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें बताएगा आपको कि इसमें क्या क्या है. अभी देखिए पूरा खाली है, और इसमें आप फिलअप कर सकते हैं अलग अलग ओर्स. तो चलिए हम, हमारे पास क्या क्या ओर्स हैं, अगर वो हम इसमें डालते हैं तो हमें कुछ मिलता है कि नहीं. ऑलराइटी, ये देखिए हमने इसमें डाला है गोल्ड पीसेस और निकल, लेड, ये पूरा फिलअप हो जाएगा. और उसके लिए आपको चाहिए पड़ता है लावा, और हमारे पास है लावा.
कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए हमने फिलअप कर दिया है इसको, टैंक को, और जैसा कि आप ऊपर से मैं दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है ये, जब आप इसमें रॉ और रखेंगे, ये देखिए फिलअप हो गया है। हमने जैसे जैसे इसमें और डाला है, आयन का नहीं है, लेड का है, निकल या सिल्वर है, और गोल्ड का डाला है, तो वो हमने इसमें डाला है। अब ये स्मेल्ट होगा और धीरे धीरे इकट्ठा होते जाएगा। इसमें आपको पावर अप करने के लिए इसमें आयन चाहिए, फ्यूल चाहिए रहता है, जो कि है लावा, और इसे हम और फिलअप कर सकते हैं। ये मैं इसमें डायरेक्ट ये डालता हूँ कॉपर, और ये निकाल लेते हैं हम इसमें। ये स्मेल्ट होने लग गया है, थोड़े से कॉपर और बना लेते हैं हम, ताकि हम इसमें डाल सकें। उप्स, ओके ठीक है, ये देखिए ये हो गया है स्मेल्ट, और ये आ गया है मॉल्टन कॉपर हमारा। तो ये एक स्मेल्टरी है हमारी, जो इसमें आप अलग अलग ऑर्स डाल सकते हैं। हमें गोल्ड बनाना है, चलिए हम गोल्ड के भी बना लेते हैं। यहाँ पर मुझे क्राफ्टिंग टेबल की ज़रूरत है, ओके, और इसमें लगाता हूँ यहाँ पर, इट, ओके यहाँ पर पुट करते हैं हम। और मेरे पास गोल्ड के काफ़ी सारे ओर्स हैं, ओर पीसेस हैं, तो इसे मैं डाल देता हूँ। आप दूसरे प्रकार के भी इसमें डाल सकते हैं, तो वो एक लेयर बन जाती है, आपको अलग अलग दिखेगी लेयर उस पर कि कौन सी लेयर है, कौन सी उस पर। तो चलिए मैं वापस आपको बताता हूँ शुरू से कि कैसे बनाते हैं इसको। पहले आपको शेयर्ड रॉक्स चाहिए रहते हैं, जो ग्राउट से बनते हैं, और ग्राउट की विधि मैंने आपको शुरू में बता दी है कैसे बनाते हैं इसको। 3x3 का बनाइए और 3 हाइटेड रखिए इसको, और इसमें आपको लगेगा स्मेल्टरी कंट्रोलर और शेयर टैंक, स्मेल्टरी ड्रेन, जो कि 3 बनाए हैं मैंने, फॉसेट्स जो इसके आगे लगे हुए हैं ये, और बेसिन्स, कास्टिंग बेसिन्स हैं ये 2, और ये हमारा है कास्टिंग टेबल। तो देखें प्रोसेस हमारी चल रही है, गुड। मुझे लावा बकेट फिलअप करना था, इसमें मैंने डालना भूल गया हूँ, डैम। चलिए ये हो रहा है जब तक, तो इसे स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हमको फिलअप करना है, हमें चाहिए है कॉपर, तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से ड्रेन होने लग जाएगा, राइट क्लिक करेंगे और ये फिलअप होने लग जाएगा आपका जो बेसिन है, ये देखिए नॉइस, और ये ठंडा होते जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कॉपर ब्लॉक में, और आपने यहाँ से निकाल लिया तो ये देखिए इसका लेवल कम हो गया है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, अब इसे कलेक्ट कर सकते हैं। ये बन गया हमारा ब्लॉक ऑफ कॉपर, नाइस। तो देखिए आप कॉपर ब्लॉक से आप नॉन कॉपर इग्नेट निकाल सकते हैं, पर हम अभी नहीं निकालेंगे, और हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं कन्वर्ट करने के लिए, नाइस। तो ये सब हम डाल सकते हैं इसमें, गुड। तो एक बकेट आपका काफ़ी सारा काम कर देता है। अब मैं आप चलता हूँ आपको कास्टिंग टेबल के, कास्टिंग टेबल क्या काम आती है। तो हमने शुरू में वो बताए थे, इसके पैटर्न्स बनाए थे हमने टिंकर्स टूल्स के, ओके। तो हमें चाहिए था ये फ्लिंट एक्स हेड, जो हम लगाने वाले हैं। थोड़ा सा हम खाना खा लेते हैं, ओके। तो आपको क्या करना रहता है कि आपने जो टिंकर स्टूल से, इससे पैटर्न से आप बनाते हैं ये हेड जो हमने बनाया था, वो आप इसके ऊपर रखिए यहाँ पर, और फिर आपको जो भी चाहिए है, जैसे हमको मॉल्टन कॉपर, लेड, एक इग्नेट बन जाएगा, ओके। तो चलिए हम कॉपर लेते हैं और फिर इसको खोलते हैं, वेट, कॉपर का नहीं बनेगा क्या, गोल्ड का बन सकता है, ओके गोल्ड का बन जाएगा। तो जैसे ही हम खोलते हैं तो ये कास्टिंग बन जाएगी, देखिए इसमें, क्योंकि कास्टिंग टेबल है, और ये आ गई हमारे पास हमारी कास्टिंग गोल्ड एक्स हेड की। तो ये हमारी एक्स हेड कास्ट बन गई है गोल्ड की, और
हम गोल्ड ब्लॉक भी बना लेते हैं एक। तो ये काम आती है आपकी स्मेल्टरी। ये देखिए मोल्टन लेड है, मोल्टन लेड भी हम निकालते हैं और ये ठंडा हो जाएगा और आपके पास मिलेगा एक गोल्ड ब्लॉक, आपको शाइनी शाइनी गोल्ड ब्लॉक, ये रहा, नाइस। तो देखिए जैसे आप इसमें देखेंगे तो ये चीज़ें हैं जो इसमें हमने डाल के रखी थी वो कम होती जाएगी। गुड, तो ऐसे बनता है आपका ये, और ये भी ठंडा हो गया है और हमने बना लिए है एक लेड ब्लॉक, एक गोल्ड ब्लॉक और एक कॉपर ब्लॉक। तो ऐसे बनती है स्मेल्टरी, ये एक अचीवमेंट है इसमें जो आप कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। जितने भी ओर्स हैं आपके पास आप इसमें डालते जाइए, आपको आपके दूसरे फर्नेस में डाल के इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे लेकर आइए और इसे यहाँ पर डालते जाइए और आपको सारी चीज़ें मॉल्टेड मिलती रहेगी इसमें और आप इसे निकाल सकेंगे आसानी से। ओके, तो इसे हम ले जाके हमारे चेस्ट में रख देते हैं और हमारा एक टिक कर लेते हैं, हमारा एक अचीवमेंट जो हमने बना लिया है, नॉइस। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ थी, कहाँ गया हमारा ओर्स, ये हम इसमें रख देते हैं गोल्ड के नीचे, गुड। और ये हमारा कॉपर, ठीक है, और ये लेड, गुड। चलिए ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमको बनाना था इसमें एक ऑटोमेटेड कॉबलस्टोन, सॉरी अपग्रेड योर मॉब फार्म किलिंग मॉन्स्टर ऑटोमेटिकली, ये भी हमने कर लिया है। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि इसमें मैंने क्या ऐड करा है। तो इसमें मैंने लगाए हैं पंखे, मॉब फैंस, ये देखिए ये है मॉब फैंस, ये दोनों तरफ लगाए हैं। और ये क्या करते हैं, ये यहाँ तक के ब्लॉक से आपको धक्का देते हैं, यानी कि आप इसमें रखे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ओके, इसे तोड़ता हूँ मैं यहाँ से, ये देखिए जैसे ही मैं इसके पास, ओह शिट, ओह बच गए। यहाँ मैंने स्पाइक ब्लॉक्स लगा के रखे हैं, ये वाले, ये रहे स्टोन स्पाइक्स, इसे आप लगा सकते हैं यहाँ पर। और जैसे ही आप यहाँ पर इसको लगाएंगे, जितने भी मॉब्स यहाँ पर, देखिए हम आगे नहीं जा पा रहे हैं इसके, क्योंकि ये पीछे धकाता है आपको, और जैसे यहाँ पर मॉब स्पॉन होंगे तो मॉब्स को पीछे धकाएगा। और इसको मैं यहाँ पर, ये देखिए इसके ब्लॉक्स लगा दिया है, तो अब हम इसकी हवा से कुछ नहीं होगा, गुड। तो ये स्पाइक है जो डैमेज देते हैं, तो इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और मैंने दोनों तरफ लगा के रखे हैं इसे। ओके, ये बन गया। तो जैसे ही मॉब स्पॉन होते हैं, ये जो फैन है ये इनको धकाता है स्पाइक्स की तरफ, और स्पाइक्स से डैमेज लेके वो मर जाते हैं। तो ये एक अच्छा है, मुझे बस इसका जो कलेक्ट आइटम बनाना है, कलेक्टर आइटम कलेक्टर बनाना है, जिससे जो भी ड्रॉप हो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली उस बॉक्स में आ जाए। तो उसके लिए मेरे को रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, बाकी तो मैंने बना लिया है। तो स्पाइक्स कैसे बनाते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। स्पाइक्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको कॉबलस्टोन होनी चाहिए ढेर सारे आपके पास, और चिजल्ड कॉबलस्टोन्स, और मेन चीज़ आपको चाहिए तीन स्टोन सॉर्ट्स, एक दो तीन, ये बन गई हमारी स्टोन सॉर्ट्स तीन, ठीक है। तो क्या करना है, और कंप्रेस्ड कॉबलस्टोन चाहिए हमको, ये आ गया। तो कंप्रेस्ड कॉबलस्टोन्स को यहाँ रखिए, और तीन सॉर्ट्स रखिए ऐसे ऐसे, ओके, और चिजल कॉबलस्टोन, नो मे बी कॉबलस्टोन, जस्ट कॉबलस्टोन, यस, ऐसे पैटर्न रहता है, कंप्रेस्ड कॉबलस्टोन, तीन कॉबलस्टोन ऐसे, और तीन कॉबलस्टोन सॉर्ट्स। तो आपसे मिलती है आपको एक स्पाइक, चार स्पाइक्स मिलते हैं। और इसे आप लगा सकते हैं ऊपर की तरफ जहाँ पर आपके ब्लॉक्स खाली हैं। मैं यहाँ पर एक पहले एक ब्लॉक लगाता हूँ, तो यहाँ पर एक दो, ताकि हमारा जो एंडरमैन है उसको भी अच्छी तरीके से डैमेज मिले, गुड। और इसे हम लगाते हैं यहाँ पर, और अब से आप हटा दीजिए वाले ब्लॉक को,
अब मॉब फॉर्म फैन कैसे बनाते हैं, इसका नाम ही है मॉब फैन। ये रहा, इसके लिए आपको चाहिए क्रेडस्टोन, 4 आयन इग्नेट्स और स्लैब्स 4, उससे बनता है आपका मॉब फैन। और इससे आप लिवर कन अटैच कर दीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर करा है। ये देखिए, ये रहा लिवर, इसको जैसे ही मैं बंद करूँगा तो ये बंद हो जाता है। नाइस। और मैंने इस तरफ मेरे पास अभी इनफ कॉबल स्टोन्स नहीं आए, पर मैंने स्पाइक्स यहाँ पर लगा के रखे हैं, देखिए दोनों तरफ, ताकि जैसे ही यहाँ पर मॉब स्पॉन हो उनको ऑटोमेटिकली डैमेज मिले और हमें रिसोर्सेस। गुड। मैं इसे चारों तरफ बनाना चाहता हूँ, यानी कि एक साइड तो बना लिया है मेरे को उस साइड, और पीछे यानी चारों तरफ ऐसा ही मुझे वो देना है इसका, ताकि मुझे अच्छे अच्छे ड्रॉप्स मिले। और मुझे ड्रॉप्स मिले हैं इसमें से, मुझे देखिए एक बैग मिला था, ड्रॉप लूट बैग, उसमें से मुझे मिला है चिजल फ्लूइड बिट टैंक, और एक और क्या मिला था, ये मिला है स्माइली क्लाउड, व्हाट इज दिस आई डोंट नो, स्माइली क्लाउड मिला है। और मुझे इन्फर्नियम एसेंस भी बहुत सारे मिल चुके हैं, और हमें देखिए क्या मिला है, 3 डायमंड भी आ गए हैं हमारे पास। नाइस। ये सब चीज़ें हैं जो पिंक टाई, ये सब मुझे ड्रॉप मिले हैं मॉब्स से, और लेदर पैंट्स, ग्लास बॉटल, ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल सकती है अगर आप मॉब फार्म बनाते हैं तो, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें लूट बैग्स मिलते हैं, और लूट बैग्स अलग अलग टीयर के रहते हैं, तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं आप उसमें, और उसे ओपन करते हैं तो आपको मिलता है। नाइस नाइस। ओके, तो ये हो गया है हमारा कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो कॉबलस्टोन जनरेटर बनाया था यहाँ पर, इससे ऑटोमेटिकली कैसे आप एक चेस्ट में कैसे कन्वर्ट्स कर सकते हैं, यानी ले जा सकते हैं अपने आइटम्स बिना हॉपर के। तो उसके लिए आपको चाहिए रहते हैं पाइप्स। पाइप्स कहाँ गए, ये रहे पाइप्स, ट्रांसफर पाइप्स हैं ये, और उसमें डालेंगे, उप्स, ये रहा। तो इसके लिए आपको चाहिए रहता है रेडस्टोन, 2 स्टेन ग्लास और स्लैब्स, उससे मिलते हैं आपको 16 कॉबलस्टोन पाइप्स। तो ये रहे मेरे पास रेडस्टोन, और मुझे इससे बनाना है एक और चीज़, मैंने पाइप्स तो बना ली है, मुझे बनाना है इसमें नॉड, ट्रांसफर नॉड, और वो है ये वाली ब्लू रेड वाली आइटम। इस ट्रांसफ़र करने के लिए, इसके लिए आपको रेडस्टोन चाहिए 2, और एक चेस्ट और चिजल्ड स्टोन्स। ठीक है, मेरे पास चिजल स्टोन्स हैं, चेस्ट भी है, रेडस्टोन भी है, और पाइप भी है। गुड। और पाइप आप इसमें रखिए, अगर आपको लग नहीं रहा है, मालूम नहीं है, तो सिर्फ आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर मूव आइटम करिए। अगर आपके इन्वेंट्री में है सारे आइटम तो मूव आइटम करिए, और आपका जो रेसिपी है अपने आप इसमें आ जाती है, और आपको मिलते हैं नोड। ये आ गए हमारे पास ट्रांसफर नोड्स, और हमको चाहिए इसमें से अब पाइप्स। गुड। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये ट्रांसफर नोड 3, और फिर कनेक्ट करेंगे हम इसमें पाइप। ओके, ये कनेक्ट हो गया है, और जैसे ही देखिए हमने कनेक्ट करा है इसे यहाँ से, तो इसमें जो है कॉबलस्टोन वो आने लग गए हैं, और ये पूरा फिलअप हो जाएगा ऐसे जैसे जैसे हम इसमें कॉबलस्टोन आने लगेंगे। तो ऐसे आप बनाते हैं कॉबलस्टोन नॉड्स और पाइप्स, इससे आप बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अलग अलग जगहों पर इसे लगा सकते हैं आपके, जैसे कोई भी वहाँ पर भी लगा सकते हैं। एक चेस्ट आपने बनाया है तो उससे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके आइटम्स सीधे चेस्ट के अंदर, तो ये पाइप्स इस यूज़ में आते हैं। तो चलिए, इसका तो हो गया है काम, और हमने हमारा जो कॉबलस्टोन जनरेटर है, अभी ये टियर 1 है, मुझे इसको अपग्रेड करना है टियर 2, टियर 3, टियर 4, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉबलस्टोन्स ले सकूँ, पर इतने काम अभी आ नहीं रहे हैं। कॉबलस्टोन्स हमें प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कॉबलस्टोन्स चाहिए रहते हैं, पर बहुत है, देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये इसमें फिलअप हो रहा है। 1 स्टैक हो गया है, 2 स्टैक हो गए, गुड, क्योंकि तीनों कॉबलस्टोन जनरेटर्स में से कलेक्ट हो रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रहा है ये। ऑलराइटी, तो चलिए, हमने स्मेल्टरी बना ली है, हमने हमारे कॉबलस्टोन जनरेटर को ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र करने के लिए पाइप्स लगा दिए हैं
चेस्ट के थ्रू हमने हमारा जो फार्म है मॉब फार्म उसको भी ऑटोमेटिक बना लिया है। मुझे सिर्फ वहाँ पर एक कलेक्टर वो बनाना है बॉक्स ताकि मैं आइटम्स कलेक्ट कर सकूँ। और ये मैंने बनाया है हमारी छोटी सी लैब है छानने के लिए। तो देखिए यहाँ पर है हमारी सीव जो रेगुलर ग्रेवल सैंड और डस्ट छानती है, और ये हमारी है हैवी सीव जो कि कंप्रेस्ड चीज़ें छानती है। और मैंने यहाँ पर तीन हैं जो इसे मैश आयरन में कंप्लीट मैंने कि आयरन की मैश लगा ली है, बाकी मेरी ये फ्लिंट की है, मुझे इसे भी कन्वर्ट करना है। और इसमें मैं छानता हूँ, देखिए हम ग्रेवल छानते हैं इसमें, तो काफ़ी जल्दी जल्दी और बहुत सारे ओर्स हमें मिलते जाते हैं। और कंप्रेस्ड आप जब छानते हैं तो आपको डायमंड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं कंप्रेस्ड ब्लॉक से। और मैंने इसे पूरा बंद कर दिया है ताकि कुछ भी चीज़ है जो भी चीज़ मुझे मिलती है वो बाहर उड़ के ना जाए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर एक गैप छूट गया था और मैंने सीव करा था यहाँ पर क्या कहते हैं उसे कंप्रेस्ड डर्ट सैंड सॉरी डस्ट कंप्रेस्ड डस्ट मैंने जब और करा था तो दो डायमंड्स ऊपर चले गए थे। मैंने गलती से जब बाहर आया और मैं यहाँ कर रहा था कि मेरे पास इतना ही आ गया है, फिर मैंने देखा तो ऊपर दो डायमंड पड़े हुए थे। मैंने बोला ये कहाँ से आए, फिर मुझे पता चला कि अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, इसे पूरा पैक करना पड़ा फिर मुझे ऊपर से। और अभी देखिए छोटा सा बन गया है, और मुझे यहाँ पर हैवी सीव्स भी लगानी है पर अभी हैवी सीव्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने अभी ये मैसे से काम चला रहा हूँ। और एक और चीज़ कि आयरन जब आपको रेडस्टोन चाहिए हैं तो वो सिर्फ आपको आयरन की छलनी से ही मिल पाएंगे, इसलिए जितनी जल्दी आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कन्वर्ट कर लीजिए आयरन की छलनियों में। ऑलराइटी, तो चलिए हमने इतना सारा काम कर लिया है, अब मैं थोड़े से जो हमारे कहाँ गए अतिथि गण हैं हमारे उनको मैं लेकर आ जाता हूँ, देखते हैं आते हैं कि नहीं। ओके हेलो देयर, ओके काउस शीप्स आ रही हैं, आने दो आने दो, दो शीप्स आ गई, गुड नाइस। ओके अभी ने हमारे प्रोडक्शन के लिए शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, गेट छोटा पड़ रहा है लगता है इनको, आ जाओ दोनों को एक साथ ही आना है। ए वन बाय वन कम ऑन, ओके आई एम नॉट गिविंग इट, गो अवे। ये देखिए यहाँ पर है हमारे पास बोन वाइट चिकन, और ये है लॉक चिकन लकड़ी का चिकन, और ये रूस्टर है। बहुत सारे यहाँ पर हमारे चिकन्स और भेड़ इकट्ठी हो गई है। नहीं मैं तुमको नहीं लाऊंगा, अभी यहीं पर ही रहो, दोनों की दोनों दोनों को एक साथ ही आना है इसमें। ओके तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टोन रीइंफोर्स स्टोन ब्रिक्स फैंस लगाई है, अच्छी लग रही है ये। और यहाँ पर छोटा बच्चा आ गया है, कहाँ गया, कहाँ गया वो रहा, गुड। तो चलिए हमने हमारी बेसिक चीज़ें हमने स्टार्ट कर ली है, अब हमको फूड की चिंता नहीं करनी है, ना पानी की ना लावा की ना डर्ट की, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें बना ली है हमारे इस स्काई फैक्ट्री 3 में। और देखिए हमारे पास क्या क्या अचीवमेंट है, टिंकर स्टूल अपग्रेड कर लेंगे हम, ऑटोमेटिक मॉब फार्म हमने बना लिया है, और एंशिएंट शीफ मैश, ओके ये बनाना मैं कब भूल गया हूँ, गुड मुझे ये बनानी है, ये बनाऊंगा मैं अगले भाग में, और अगले भाग में हमारे स्टार्ट हो जाएगी हमारी फार्मिंग एज, गुड, जिसमें हमें बनाना है वाटरिंग कैन, कैप्चर अ काउ इन अ जार, हाउ दैट्स सपोज टू बी, प्रिपेयर फार्मिंग स्पेस फॉर सेवरल क्रॉप्स, क्राफ्ट एंड इन्फीरियम सीड। ओके तो चलिए अगले भाग में हम जाएंगे हमारी फार्मिंग एज में। तो इस भाग में हमने हमारी स्मेल्टरी बना ली, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके बेधड़क, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलें, और मिलूंगा मैं आपसे अब अगले भाग में, देखते रहिए माइंड काफ इन द गेमिंग वीकेंड 22 के साथ, जब तक के लिए एंड सी या।